हेलो बॉयज़, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो बॉयज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का आपका गेमिंग क्वेश्चन ये होने वाला है कि आपको मेरे को कोई भी चार BGMI में मिलने वाली कोई भी चार शॉटगन्स का नाम बताना है, और ये कोई भी शॉटगन्स हो सकती है। आप कोई भी चार शॉटगन का सही सही नाम नीचे कमेंट करो। अगर आपने इसका सही आंसर दिया तो आपका कमेंट मैं पिन करूंगा और आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। और जो हमारे लास्ट वीडियो के विनर है उनका नाम है गेमर रूडर। सो बिग शाउट आउट टू गेमर रूडर एंड थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग। तो बॉयज़, अब अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कल मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि स्काउट और जोनाथन के बीच में कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी। इसमें ये बेसिकली कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है, एक तरह की फाइट हो गई थी जो कि इन गेम राइवलरी के कारण स्काउट ने थोड़ा गुस्से में आके रेज कर दिया था जोनाथन के ऊपर, उनकी टीम को वाइप कर दिया था जोनाथन ने उसके बाद, और कुछ एलिगेशंस भी लगा दिए थे कि जोनाथन ने स्ट्रीम स्नाइप करके मारा है। तो गाइस, ये पूरा मैटर मैंने एक्सप्लेन कर दिया अपनी लास्ट वीडियो में, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देख लेना। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि स्काउट ने अभी सुबह सुबह ही एक स्टोरी डाल के इसके ऊपर अपोलोजाइज कर लिया था। सो गाइस, स्काउट ने आज सुबह सुबह ही एक स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि जिसके भी सेंटिमेंट्स उनके बिहेवियर के कारण किसी भी टीम या उनके फैंस के सेंटिमेंट्स हर्ट करते हैं तो वो अपोलोजाइज करते हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि वो आने वाले टाइम में और कमिंग ईयर्स इन फ्यूचर ईयर्स वो अपनी टीम के लिए अच्छा करने वाले हैं और इनफैक्ट एक पॉजिटिव अप्रोच लाने वाले हैं गेमिंग कम्युनिटी में। और गाइस, कल रात को थग और गोल्डी भाई ने भी साथ ही साथ स्टोरी डाली थी रात में, और उन्होंने ये भी बोला था अपनी स्टोरी में कि वो स्काउट के बिहेवियर से बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो उनके बिहेवियर को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है, ना ही टीम सोल या ऐसे ट्यूएल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बिहेवियर और ऐसे लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। और बॉयज़, थग और गोल्डी भाई ने तो ये भी बोला है कि वो इस मैटर के बाद कुछ एक्शन लेने वाले हैं, तो ये देखने की बात होगी कि वो क्या एक्शन लेते हैं वो। और बॉयज़, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये कंट्रोवर्सी यही एंड हो जानी चाहिए, इसके बाद इस मैटर को और आगे नहीं खींचना चाहिए। मुझे लगता है कि स्काउट ने अपोलोजाइज़ कर दिया, ये वेल एनफ था, ये उनको अपोलोजी देनी चाहिए थी, और जो उन्होंने दी एक बहुत प्रोफेशनल मैनर में। और गाइज़, आप सबको ये समझना होगा मैं यहाँ पे किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, बट प्रोफेशनल गेमिंग और साथ साथ स्ट्रीमिंग और इनफैक्ट पबजी मोबाइल कॉम्पिटिटिव खेलना एक बहुत ही स्ट्रेसफुल काम होता है, ये किसी के ऊपर भी उसके मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा टोल लेता है। तो इस बीच में गेम रेज हो जाता है, किसी के ऊपर एक रेज मोमेंट आता है जिसमें वो कुछ ऐसा बोल जाता है जो नहीं मीन करता। मुझे लगता है स्काउट के साथ भी यही हुआ, आपको पता है उनका एग्रेसिव नेचर है, और गुस्से में कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि जो वो मीन नहीं करते। हाँ, यहाँ पे स्काउट को अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, बट आपको पता है गुस्से में शिट हैपेंस मैन। और बॉयज़, आप अपना ओपिनियन मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो विदाउट गाली, क्योंकि अगर आप कोई भी टॉक्सिक वर्ड यूज़ करोगे मेरे कमेंट सेक्शन में तो अपने आप हाइड हो जाता है। सो गाइज़, बिना किसी टॉक्सिसिटी के आप अपना ओपिनियन मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर चेकआउट करूँगा। तो बॉयज़, अब अपनी अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं जो कि आ रही है IT प्रिंस और मावी की तरफ से। तो बॉयज़, आपको अगर पता ना हो कि IT प्रिंस कौन है तो मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन टाइगर्स जो टीम थी जिसने फर्स्ट चिकन डिनर निकाला था वर्ल्ड स्टेज पे, उसके ये मेंबर रह चुके हैं। और इनफैक्ट मावी और प्रिंस इंडियन टाइगर्स में सेम टीम से खेले। तो गाइस, कल मैच के टाइम पे ये हुआ था कि टीम सोल और IT की फाइट हो गई थी, जिसमें IT के प्लेयर्स मर गए थे और उन्होंने काफ़ी दूर जाके रोटेशन दी थी। तो मावी ने अक्यूज़ करा था कि टीम IT के प्लेयर्स उनकी स्ट्रीम देख के उनको स्ट्रीम स्नाइप करने आए थे। तो गाइस, इस मैटर के बाद IT प्रिंस ने अपने इंस्टाग्राम पे इसका रिप्लाई दिया है मावी को, और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे क्या क्या अपलोड करा उसका स्क्रीनशॉट मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। और उन्होंने साथ ही साथ एक्सप्लेन करा कि वो स्ट्रीम स्नाइप करके वहाँ पर नहीं गए थे, वो गाड़ियाँ खोजने गए थे पुचिंकी स्क्वाड हाउस के पास। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ उन्होंने क्या क्या बोला। भाई, स्ट्रीम करनी है तो 15-20-30 मिनट का डिले रख के करा करो। एक तो हम गाड़ी ढूंढने अगर पीछे आ रहे हैं हमारे पुचिंकी साइड, और तुम्हारा ड्रॉप कहीं और है और हम वहाँ नहीं आ रहे हैं, कहीं और गाड़ी वाड़ी देखने आ रहे हैं, और तुम हम पे स्ट्रीम स्नाइपर्स का ये लगाओगे कि भाई हमने स्ट्रीम स्नाइप किया, ये करा वो करा, तो अरे मादरचोद, अगर स्ट्रीम स्नाइप करना होता तो घुस के मारते, ऐसे ओपन में गाड़ियाँ नहीं घुमा रहे होते। जो तुम्हारी के दिमाग है नहीं तो थोड़ा सोचा करो, एटलीस्ट गेम में तो लगा लो, गेम में नहीं लगा रहे यहाँ तो लगा लो। कहाँ पे मार उनको, मार उनका, मार ले गोले, मार ले गोले, मार ले गोले, मार 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 चूतिया को मार, मादर चोद स्ट्रीम स्नाइपर मार। तो बॉयज़, जैसा कि आपने देखा कि IT प्रिंस ने यहाँ पर एक्सप्लेन करा कि वो गाड़ी ढूंढने आए थे जोन के बाहर, और वहाँ पर सोल से उनको फाइट लेने का कोई इंटेंशन नहीं था या वो स्ट्रीम स्नाइप नहीं कर रहे थे। तो बॉयज़, इसके ऊपर भी मावी ने तो कुछ रिएक्ट नहीं करा है, अगर कुछ भी इसके ऊपर अपडेट होगी तो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको कोई नॉलेज पता हो इसके बारे में, कुछ पता हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। और मुझे ये भी बताना है कि ये मावी ने इंटेंशनली बोला या उनसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया कि IT प्रिंस और मावी के बीच में, क्योंकि वो खुद से टीममेट्स रह चुके हैं, साथ साथ एक गेम खेला इंडियन टाइगर्स के साथ,
तो भाई इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना। तो बढ़ते हैं अपनी अगले अपडेट की तरफ जो कि आ रही है स्नैक्स की तरफ से। सो गाइस कल स्नैक्स ने एक मोटिवेशनल कोट डाला था अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे, उसी से रिगार्डिंग उनको काफ़ी ज़्यादा हेट मिलने लगा और काफ़ी सारे लोग उनसे ये पूछने लग गए कि ये इंस्पिरेशनल कोट जो उन्होंने डाला है क्या ये कॉन्ट्रोवर्सी से रिलेटेड है। तो उस रिगार्डिंग उन्होंने स्टोरीज भी डाली और ये एक्सप्लेन करा कि वो किसी भी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, वो सारी कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है गेमिंग कम्युनिटी में तो सारे ऑडियंस और सारे लोग उनसे पूछने लग जाते हैं कि इसके ऊपर अपना ओपिनियन दो या कुछ दो। तो उनको उन्होंने ये क्लियर करा है कि वो उन्होंने जो कोड डाला था वो एक बस ऐसे रेगुलरली वो डालते हैं अपने ऑडियंस के लिए, उसका कॉन्ट्रोवर्सी से कोई रिलेशन नहीं था। और उन्होंने ये भी बोला कि उनको किसी भी कॉन्ट्रोवर्सी में कोई भी ओपिनियन या कोई भी व्यू नहीं देना है अपना। तो अभी एक दो रीसेंट स्टोरीज में मतलब मैंने एक कोट शेयर किया था तो बंदे उसको रिलेट कर रहे हैं, ऐसा एक बंदा नहीं पूरा डीएम स्पैम मार दिया यार, ये इस टीम के लिए था उसके लिए था किसके कौन सी टॉपिक पे बोल। अरे एक नॉर्मल कोट शेयर किया है, एक इंस्पायरिंग कोट शेयर किया है जो पॉजिटिव मैसेज दे रहा है। एंड मैं बहुत टाइम से करता हूँ, लोग से कनेक्ट करता हूँ मैं, जो लोग को आता है पॉजिटिव है वो लोग रिप्लाई करते हैं मेरे को, वो रिप्लाई देके मेरे को बहुत खुशी होती है, ये रीजन से शेयर करता हूँ। बाकी लफड़ों में मैं नहीं पड़ता गाइस, मेरा फोकस खुद पे खुद की टीम पे, टूर्नामेंट आ रहा है जीतने गए, सिंपल एज दैट। गुड नाइट गाइस। और बॉयज़ उनकी बात बिल्कुल सही है कि जैसे कि पता है कि किसी और के बीच में फाइट हुई है, किसी और के बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी, दूसरे स्ट्रीमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स की चैट में स्पैम करना या उनको कंट्रोवर्सी में ज़बरदस्ती घसीटना ये बिल्कुल गलत है। उनको गेम खेलने दो, उनका उनके टीम की तरफ फोकस रहने दो, बिना बात के किसी को डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो बॉयज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 150 लाइक्स। और अगर आपको ऐसी ही फास्ट और क्रिस्प अपडेट्स चाहिए गेमिंग कम्युनिटी से रिगार्डिंग तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं अपडेट्स देते रहता हूँ बहुत जल्दी जल्दी। तो गाइज़ मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।